ये चंदा कानून है। दीदी टाइम कितना हुआ? 10 बजे। हैवी वुमन हैवी वॉइस। हैवी वुमन 10 बजे है। ये ठीक है। पनवाला कलकत्ता बनारस। नाम क्या है तुम्हारा? शबनम। प्यार से लोग मुझे शब्बू कहते हैं। शब्बू शब्बू पान खाओगी? नहीं नहीं नहीं, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? शब्बू आ जाओ। क्या कर रहे हैं आप? आ जाओ। क्या कर रहे हैं आप? देखिए ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। आ जाओ। क्या? यहाँ पे आ जाओ। क्या कर रहे हैं आप? अब यहाँ पे तो कोई नहीं है जी। अब अपने हाथों से तुम्हें पान खिलाऊंगा मैं। नहीं नहीं नहीं। आ पर्दा तो खोलो। नहीं शब्बू पर्दा खोलो। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। मोहतरमा बैठ जाइए बैठ जाइए। मैं हूँ। इंस्पेक्टर हमारी अदालत के बाहर जो पान वाले की दुकान है उसे फौरन उखाड़ लो और उसे फौरन अरेस्ट कर लो। मिलोर्ड ये क्या आप बुरखे में क्यों आए? भाई क्या है कि कुछ लोग कर्जदारों से बचने के लिए इस तरह के स्वांग रच लिया करते हैं। कुछ लोग बुरका पहन लेते हैं, कुछ लोग तो अपना मुंह भी काला कर लेते हैं। कुछ लोगों को बता दिया जाए कि कुछ लोगों ने आज तक एक पैसा भी उधार में नहीं लिया। जी मैडम। मिलोर्ड तो फिर क्या हुआ है? ये औरतों को छेड़ने की कंप्लेंट्स बहुत आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि घर से ही बुरखा पहन के निकलूं ताकि उन लोगों का पता लगाऊं जो औरतों को छेड़ते हैं। तो फिर क्या हुआ मिलोर्ड, पता चला उन बदमाशों का? अरे सबसे बड़ा छेड़ू तो वो पान वाला ही निकला। उसकी दुकान से मैं गुजर रहा था तो हाथ पकड़ लिया और छोड़ने को तैयार ही नहीं, बस पान खा के जाइए पान खा के जाइए। और इस चक्कर में आप खुद छिड़ गए मिलोर्ड। ऑर्डर ऑर्डर। आज तक एक टॉफी भी मुझे उधार में नहीं दी, औरतों को फ्री में पान खिलाता है। कैसे कैसे छेड़ू पड़े हैं इस दुनिया में। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने मिलो। कुछ लोग तो कोर्टरूम में घुस के छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं। मैंने ठीक कहा ना मिलोर्ड? मिलोर्ड आज का केस। आज का केस। दैट्स गुड मिलोर्ड। बेगाने लखनवी ने अब्दुल्ला दीवाने पर यह केस दायर किया है कि अब्दुल्ला दीवाना उसकी बेगम को उठा ले गया है। ये कैसा केस है? अब्दुल्ला दीवाना का केस हम देख रहे हैं। भाई ऐसे बीवी उठाओ का केस देख रहे हो, जरा अपनी बीवी को संभालना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बीवी को भी। मिलोर्ड ये क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं आप? चंदा रानी जी मैं तो इसकी बीवी के बारे में बात कर रहा था, उसमें आप इतना क्यों? मैं इनकी बीवी हूँ। I mean, बीवी की बेस्ट फ्रेंड हूँ मिलोर्ड, इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। ये अच्छा है। मिलोर्ड बेगाने लखनवी का केस मैं देख रही हूँ। ये तो और भी अच्छा है। यस मिलोर्ड। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलोर्ड सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट बेगाने लखनवी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। बेगाने लखनवी हाजिर हो। कसम खाओ हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मिलोर्ड ये है मेरे क्लाइंट बेगाने और इनके साथ जो हुआ है ना वो सुनकर आप अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। अरे आपको देखकर दांतों तले उंगलियां तो हम हर रोज चबा लेते हैं। ये देखिए कुछ लोग फिर छेड़ रहे हैं। कुछ लोग छेड़ रहे हैं उसमें कुछ लोगों के बाप का क्या जा रहा है? मिलोर्ड मैं यहाँ अपने क्लाइंट की बात कर रही हूँ, अपनी नहीं। मिलोर्ड कल मेरे क्लाइंट की शादी थी। वो तो देखकर लग ही रहा कि ये डायरेक्ट मंडप से ही उठ के आ रहे।
जी हाँ मिलोर्ड, मेरे क्लाइंट बारात लेकर लड़की वालों के यहाँ पहुँचे और बारात पूरे शबाब पर थी। हमारी बारात हुस्नपुरा से मोहब्बतगंज की ओर बढ़ रही थी, तभी हमने अपना सेहरा उठा के देखा कि ये मियाँ हमारी बारात में बेतहाशा नाच रहे हैं। इन्होंने हम पर 10-10 रुपए के नोट भी लुटाए और उन नोटों को लूटने के चक्कर में हमारी बारात में जमकर लतखोरी हुई। अब्बू मामू फूफा सबने जमकर नोट लूटे और आपस में एक दूसरे को लतिया भी दिया। अब हमें लगा कि ये लड़की के भाई होंगे, बाद में पता चला ये ना लड़की वालों की तरफ से थे और ना ही लड़के वालों की तरफ से। और सुबह ये पता चला कि जिन नोटों के चक्कर में हमारे बारात में लतखोरी हुई है वो सब नकली थे। तो तेरी सारी मेहनत वेस्ट हो गई। और तो और मिलोर्ड, जब विदाई का वक्त आया तो पता चला कि ये जनाब वहाँ से गायब थे और साथ ही गायब थी इनकी दुल्हन। अबे अब्दुल्ला दीवाने, तुझे शादी में और कोई नहीं मिला जो तूने दुल्हन को ही उड़ा लिया? ऑब्जेक्शन मिलोर्ड, ये मेरे क्लाइंट पे लगाया हुआ घटिया इल्जाम है। क्या सबूत है इनके पास? सबूत है मिलोर्ड, सबूत है ये तस्वीर। मिलोर्ड, ये दुल्हन के गायब होने के जस्ट पहले की तस्वीर है जो गलती से खींच गई। ये देखिए, क्यूँ अब्दुल्ला, ये तेरी तस्वीर है? और ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। अरे हमें पता है तुम्हारे यार की शादी है, उसमें हम क्या करें? एक तो इसकी बीवी को उठा ले गए, ऊपर से नाच भी रहे। मिलोर्ड, तस्वीर के बिना पे साबित करना बड़ा मुश्किल। शादी ब्याह में दूल्हा दुल्हन के साथ तो बहुत से लोग फोटो खिंचवाते हैं, वैसे मेरे क्लाइंट ने फोटो खिंचवाई। इनसे कहिए कि कोई ठोस सबूत पेश करें। ठोस सबूत क्या, मैं गवाह पेश किए देती हूँ और अपनी बात को साबित करने के लिए अब मैं जिस गवाह को बुलाना चाहती हूँ वो है लड़की के पिता मिस्टर खचेड़ूमल। खचेड़ूमल, क्या बात है, आज तेरे तसफुल तलफुज की परीक्षा है। इजाजत तो दीजिए मिलोर्ड। इजाजत है। खचेड़ूमल हाजिर हो। हाँ भाई, आपका क्या कहना है? अजी, हमें क्या कहना है, हम तो परेशान हो रखे हैं। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। जहाँ जाते हैं पैदल जाते हैं। ऐसा क्यों? ऊपर से गर्मी ने परेशान कर रखा है। बाजार जाते हैं तो सब्जियाँ सर पे ढोकर लाते हैं, सारा तेल निकल जाता है। सब्जियाँ तेल, इस बात से आपकी बेटी का क्या ताल्लुक है? हमने कब कहा हमारी बेटी का ताल्लुक है? फिर इस बात से किसका ताल्लुक है? हमारे ड्राइवर का ताल्लुक है। जब से ड्राइवर गया है हम तो परेशान हो रखे हैं। अब हमें तो गाड़ी चलानी आती नहीं, ऑटो मिलता नहीं, बस में भीड़ रहती है, मेट्रो बन नहीं रहा है। पागल हो तुम? यार तुम्हारी बेटी गायब हो गई है और तुम्हें अपने ड्राइवर की फिक्र ज्यादा है? नहीं, बेटी तो मिल जाएगी, पर अच्छा ड्राइवर आजकल नहीं मिलता ना। ये अदालत कुछ समय के लिए मुलतवी की जाती है। है सारे संसार की शादी है आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। हेलो, क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, क्या हो रहा है? सर, ये बड़े कमाल के डांसर है। अरे ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है आज मेरे यार की शादी है। स्टॉप इट, यहाँ पे बारात ही निकली जो आप नाच रहे हैं इस तरह यहाँ पे। अरे क्या करें वकील साहब, ऐसी आदत पड़ गई है ना बारात की, एक दिन भी बारात ना मिले ना तो 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 तो, तो मेरे पूरे बदन में तुम खुजली होने लगती है वकील साहब। मैंने पूरा हाथ और पैर फटने लगते हैं बिल्कुल। आज मेरे यार की शादी है, मुझे एक बारात चाहिए, मुझे एक बारात चाहिए वकील साहब, मुझे एक बारात दिलवा देना। प्लीज कुछ कीजिए ना, देखिए ना बेचारा कैसे तड़प रहा है। थोड़ा तो मैं क्या करूँ, कहाँ से लेके आऊँ बारात इसके लिए यार। अरे वकील साहब, कुछ भी नहीं होता तो आप अपनी शादी करो। आइडिया बुरा नहीं है सर। दुल्हन भी रेडी है। मैं रेडी हूँ सर। छोड़ो, अपने हाथ में रहो। मैं
मैं क्या करूं सर, इस बेचारे की मदद ही तो कर रही हूं मैं। मुझे पता तुम किसकी मदद कर रही हो। और सुनो ए, यू, अगर तुम्हें ये केस जीतना है तुम्हें ये फालतू की हरकतें छोड़नी पड़ेंगी, वरना जिंदगी भर जेल में नाचते रह जाओगे, समझे ना तुम। अच्छा हाँ। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। मोहतरमा, अरे आपने अब भी सहरा क्यों पहन रखा है, उतार क्यों नहीं देते? नहीं मोहतरमा नहीं, बड़ी मुश्किल से सहरा हमारे सिर पे आया, जब तक हमारी दुल्हन हमें वापस नहीं मिल जाती हम इसे नहीं उतारेंगे। मुझे एक बात समझ भी नहीं आती, बुढ़ापे में आपको शादी की क्या सूझी, जवानी भर आप सोते रहे क्या? ऐसी बात नहीं है मोहतरमा, हम तो जवानी में भी कोशिश में लगे हुए थे, अब जाकर के जब हमारी कोशिश मुमकिन होने को आई कि कम्बख्त दुल्हन भाग निकली। इसका मतलब आप पहले भी कोशिश कर चुके हैं? कई मर्तबा, एक बार तो लड़की मंगनी से ही भाग गई। क्यों? क्योंकि जब हमारी मंगनी चल रही थी किसी नाशुकरे ने पंखा चला दिया, हमारी विग उड़ गई, और एक मर्तबा तो हम मंगनी से भाग निकले। अरे आप क्यों भागे? मंगनी चल रही थी किसी नाशुकरे ने फिर पंखा चला दिया, इस बार लड़की की भी उड़ गई। नहीं हमारी बेटी तो मिली नहीं, लेकिन कोई अच्छा सा ड्राइवर हो तो भेज दो, बड़ी तकलीफ है क्योंकि हमें तो गाड़ी चलानी आती नहीं, रिक्शा में बहुत। मर्तबा इनको छोड़िए, हमारा कुछ करिए। किस किस का करूं, चलिए जी। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, अब मैं अपने क्लाइंट मिस्टर अब्दुल्ला को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। अब्दुल्ला दीवाना हाजिर हो। अरे ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, तार की शादी है। क्या है ये? वही तो, ड्राइवर नहीं मिलेगा तो क्या है ये? ओए, ऐसा हथौड़ा खींचकर मारूंगा पूरी जिंदगी नाचना भूल जाएगा। क्या करें जज साहब, अम्मा के पेट में जब थे तो अम्मा चली गई एक शादी में, वहां पर बारात में नाचने लगी और नाचते नाचते हम हो गए। ओ तेरी, तो फिर क्या था जो बैंड बाजे की आवाज कान में पड़ी है कि शुरू हो गया। बस मिलॉर्ड, तब से लेकर आज तक ये सिर्फ डांस कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं, बारात किसी की भी हो शादी किसी की हो ये सिर्फ डांस करते हैं मिलॉर्ड, लोग उन्हें बारात खोर के नाम से पुकारते हैं मिलॉर्ड, बारात खोर के नाम से। बिल्कुल ठीक कहा विभूति जी ने, इनके जो क्लाइंट हैं वो बारात खोर भी हैं और दुल्हन चोर भी, बेगानी शादियों में जाते हैं नाचते हैं गाते हैं और दुल्हन को चुरा के भाग जाते हैं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मैं मानता हूँ कि मेरे क्लाइंट को शादी ब्याह में नाचने का शौक है और अब तक वो कम से कम 3,445 शादी अटेंड कर चुके हैं, उसमें डांस कर चुके हैं, और जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इन्होंने बड़े से बड़े रईस की शादी अटेंड की है और छोटे छोटे गरीब की शादी अटेंड की, लेकिन ये हर शादी उसी एंथुसियाज्म के साथ उसी जोश खरोश के साथ अटेंड करते हैं और उसमें डांस करते हैं मिलॉर्ड, बिकॉज ही इज अ कंपल्सिव डांसर। मिलॉर्ड विभूति जी से कहिए कि अपने क्लाइंट की डिग्रियां ना गिनाएं, मुद्दे पे आए, मुद्दे पे। मैं अपने मुद्दे पर हूं मिलॉर्ड। आज तक इन्होंने 30 शादी अटेंड की, लेकिन आज तक इनकी कोई कंप्लेंट नहीं आई कि इन्होंने किसी लड़की को छेड़ा है मिलॉर्ड। लेकिन ये इसकी बीवी को ले भागा है, उसका क्या? मिलॉर्ड ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई और ले गया हो इनकी बीवी को, और ऐसा भी हो सकता है कि इनकी बीवी बारात आने से पहले अपने बेडरूम के बेड की बेडशीट बांध कर भागने का बंदोबस्त कर चुकी हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ, बैग पैक करके मिलॉर्ड। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई और ले गया हो इनकी बीवी को, और ऐसा भी हो सकता है कि इनकी बीवी बारात आने से पहले अपने बेडरूम के बेड की बेडशीट बांध कर भागने का बंदोबस्त कर चुकी हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ, बैग पैक करके मिलॉर्ड। आई स्ट्रॉन्गली ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। विभूति नारायण जी अपने क्लाइंट को बचाने के लिए किसी बेचारी दुल्हन के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, उसके चरित्र के ऊपर दाग लगा रहे हैं मिलॉर्ड। ए कीचड़, मत उछालो विभूति, बात पर आओ। ऑल राइट अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं लड़की के पिता मिस्टर खचेड़ूमल को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत। खचेड़ूमल हाजिर हो। अब कंफर्टेबल हो गया तू? हाँ तो मिस्टर खचेड़ूमल, ये बताइए कि उसका कैरेक्टर कैसा था? उसका उठना बैठना मिलना जुलना किन लोगों में था, किस तरह के लोगों में? बहुत से लोगों के साथ। जैसे कि मसलन?
जैसे कि हमारी बिल्डिंग का वॉचमैन, हमारा केबल वाला, हमारे घर का रसोईया, यहाँ तक के बिल्डिंग के जनरल सेक्रेटरी के साथ भी। आप किसकी बात कर रहे हैं? हमारे ड्राइवर की। मैं आपकी बेटी की बात कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि उसका मिलना जुलना किन लोगों में था। देखिए, वो हमें कैसे मालूम, हम थोड़ी ना अपनी बेटी के साथ घूमते रहते थे। अरे यार, तुमको तो बेटी को छोड़कर हर किसी की परवाह है, तुम्हें बेटी की फिक्र नहीं है। लॉर्ड, आप समझ सकते हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट हैं कि जिस बाप को अपनी औलाद की फिक्र ना हो, उस औलाद का क्या बिहेवियर होगा, कैसा उसका कैरेक्टर होगा। मिलॉर्ड, और मिलॉर्ड खाम खा मेरे क्लाइंट पर इल्जाम लगाया जा रहा है। रुक जाइए, किसी पर कोई इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम आ गए। अरे, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था, कहां कहां नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। डैडी, मेरा ड्राइवर आ गया। ये क्या चल रहा है? ओए लड़की, कौन हो तुम? जी, हम नाज हैं, इनकी बेटी। और मेरी बीवी। ओए अंकल, मैं तुम्हारी कोई बीवी भी नहीं हूँ, समझे? ये तो मेरे अब्बू को मेरी जरा सी भी फिक्र नहीं है, इसीलिए आंखें मूंद कर बुड्ढे से शादी करवा दी। लेकिन मैं तो अपने गुड्डू से प्यार करती हूँ ना, तो भाग कर गुड्डू से शादी कर ली। क्या? क्या? तूने मेरे ड्राइवर गुड्डू से शादी कर ली? डैडी, मुझे पता है आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी ना। नहीं, तकलीफ किस बात की, उल्टे मैं तो बहुत खुश हूँ। अब मुझे एक परमानेंट ड्राइवर मिल गया है और जिसे तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ेगी। तो तेरी यार, ये अब मेरा क्या होगा? अरे होगा क्या मियाँ, तुम्हारी शादी ना सही, अरे इसकी शादी सही, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना तुम भी शामिल हो जाओ। और ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, और ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे यार 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 की शादी है।